आदरणीय महाराज जी, आज बहुत ही मैं प्रसन्न इसलिए हुई, मैं दूसरी बार यहाँ पर इस मंदिर में आई हूँ अपने ITC संगीत रिसर्च अकेडमी की तरफ से, जहाँ की हमारे बच्चे लोग अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। और इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े अच्छे लोग सब सुनने वाले यहाँ पर आते हैं। मैं एक बार पहली बार आई थी करीब 25-26 साल पहले, जबकि पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना था और मुझे उनके बारे में बोलना था, तो मैं इतना ही बोली थी कि पांचों पांडव के जो भीष्म जी थे वो भीम यही हैं, लेकिन खाने में नहीं है, गाने में है। तो बहुत लोगों ने तारीफ भी किया, अच्छा लगा, लोगों को खुश हुए कि गाने में ये भीम से वही भीम हैं जो कि अर्जुन और पांचों पांडव में थे। फिर उसके बाद उसी दिन या उसके दूसरे दिन हमारे तीन भाइयों का यहाँ पर, दो भाई और एक मामा जी का प्रोग्राम रखा गया था तबले पर, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद अलारखा खां साहब और पंडित शांता प्रसाद जी का। तो उनके बारे में भी मैंने नहीं कहा था कि ये तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन त्रिलोक हैं, आकाश पाताल मृत्यलोक, ऐसे मैंने तीन नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती ऐसा उदाहरण देके मैंने उन लोगों का परिचय किया था, जो हमारे भाइयों को बहुत पसंद आया था। और कौन बुलाता है कौन नहीं बुलाता है ये तो प्रभु जाने, माँ जाने। मुझे यहाँ के बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु एक बात का दुख है कि यहाँ पर मैं महाराज जी से ही अपनी जिज्ञासा कर रही हूँ कि स्त्रियों का संगीत क्यों नहीं होता है, जबकि खुद स्वयं ठाकुर माँ काली के भक्त थे और 2400 घंटा सारा जीवन उनके चरणों में पड़े रहते थे, तो क्यों स्त्रियों का यहाँ से संगीत हो या वाद्य हो या बोलना बहुत मुश्किल होता है। और तो और खुद माँ शारदा उनके साथ थी, और तो और नटी विनोदिनी जी, उनका भी उन्होंने संगीत सुना था जा करके, ऐसा लोग कहते हैं। विवेकानंद जी उनके जो बहुत प्रिय शिष्यों में थे, वो सिस्टर निवेदिता को साथ में ले जाते सब जगह प्रवचन और करते थे। तो ऐसी क्या गलतियां हो गई हैं जो स्त्रियों को यहाँ से संगीत करने से ऐसे बहिष्कार किया गया है? अगर इसका कोई क्या कहे, धन्यवाद। तो ऐसी बात अगर कोई है कि उचित नहीं है, तब तो माँ का भी नाम साथ में नहीं लेना चाहिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के साथ स्वयं उनका, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन देवियों की पूजा होती है, एक संगीत की है, दूसरी धनलक्ष्मी है, तीसरे वीर है, दुष्टों का नाश करने वाली महाकाली, तीन जाने तीनों स्त्रियां ही हैं, पहले ही आती हैं। और उसके बाद भी यहाँ संगीत का, साहित्य का और धन भी, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है और रक्षा भी करते हैं सब लोग, सबकी, आप लोग जितने यहाँ पर लोग आते हैं, गरीब दुखी सबको अन्न जल सब कुछ पड़ता है। फिर भी ये तीनों मात्र रहते, एक हमारे राजेश जी कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि माँ के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज धर्मात्मा, अगर धर्मात्मा बनना है तो माँ को रखना पड़ेगा, और आत्मा कहना है, आत्मा को जिंदा रखना, तो माँ ही जिंदा रखती है आत्मा, और परमात्मा को बनना है तो परमात्म कर दोगे तो कुछ नहीं का परमात्मा, तो परमात्मा में भी माँ है और धर्मात्मा में भी माँ है और आपके अंतर आत्मा में भी माँ है। तो इसलिए इतना बड़ा जो दिया गया है उन्हें इज्जत माँ को, तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ा
ये शायद समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को कैसे पूर्ण किया जाए कि हमारा भी मन करता है कि ठाकुर का भजन, माँ का भजन गाएं, शास्त्रीय संगीत हो, कुछ भी हो, तो क्या गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से स्त्रियों का आना है, बोल सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन गा नहीं सकती हैं, जबकि गाने में सारा जीवन संतोष है, आत्मा की शांति है और एक दूसरी जगह पहुंचा देते हैं प्रभु। इसलिए मैं बहुत नम्र निवेदन करती हूँ कि इस बात के लिए कम से कम महाराज जी हमें कुछ कहेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। और सभी लोग, आप लोग आए हैं इसके लिए, तो हमारे छोटे भाई रवि जी आप लोग का आदर सम्मान करेंगे। धन्यवाद।